आया, रुको रुको, नाराज नहीं होते, रुको एक मिनट रुकिए, पहले एक मिनट मैं भगाऊंगा यहां से। जनाब 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 स्वागत है आपका, जनाब भाई तौसीफ भाई, तौसीफ भाई स्वागत है इस शो में। इस शो में बोलने का हक है, जिनको बोलने की ज्यादा बीमारी है उनके लिए ये शो नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये शो। जिनको बोलने की बीमारी है उनके लिए ये शो नहीं है। तौसीफ भाई आपने अपनी बात रखी, और अगर आप मेरे अपने ही मुल्क के हैं तो अपनी बात कहने का हक सबको है। लेकिन लेकिन ठीक है, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ऑफकोर्स चुनाव होंगे, अभी खत्म हुआ है प्रोसेस, हम भी इंतजार में हैं, और हम भी इंतजार में, मैं भी श्रीनगर जाऊंगा, ऑफकोर्स जाऊंगा श्रीनगर, मैं पिछले साल शो करके आया हूं लाल चौक पर, मैं जाऊंगा बिल्कुल। लेकिन ऑफकोर्स हक है बोलने का, मैं आपसे पूछ जी, मैं जी राहुल गांधी लाल चौक पे झंडा तिरंगा कब पहनाएंगे? हाँ ठीक है, मैं आ रहा, मैं आ रहा, मैं बाबू आ रहा, मैं जी बोलिए। मेरा सवाल है, जो कांग्रेस के अंकल जी बोल रहे हैं, एक मिनट, छत्रपति संभाजी महाराज के जय जय समाज, ठीक है ठीक है, समाज सारे समाज के, सारे समाज के लोगों का स्वागत है। और अब थोड़ा सा धैर्य रखो, पानी लानी पियो, मैं आया जी। ये जो राहुल की सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं, आपने उसके लिए आवाज उठाई, जो देश की बहन बेटियां हैं जिनको 12-12 किलोमीटर गाड़ी से खींचते हैं, उनको सुरक्षा कब दोगे ये बताइए जी। चला जी प्रतीक जी, एक तो जम्मू कश्मीर से जो हमारे भाई बोल रहे थे उनका तथ्य अधूरा था, 370 हटने के बाद वोटिंग के राइट्स वहां किसी ने सस्पेंड नहीं किए, वहां पर स्थानीय निकाय के चुनाव भी हुए, तमाम पार्टियां उससे बाहर रही, लेकिन वहां पर लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुना है, तो वहां पर लोकतंत्र भी कायम है, जमहूरियत भी कायम है, कश्मीरियत भी कायम है, और भारतीयता भी कायम रहेगी, क्योंकि यह मोदी जी का शासन है। दूसरी चीज, आज ये बात करते हैं बार बार, हर डिबेट में चले आते हैं रोना लेकर कि भाई हमने भारत को आजादी दिलाई, कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल थी, लेकिन अकेले नेहरू परिवार ने आजादी नहीं दिलाई, उसमें सावरकर जी का भी योगदान था, उसमें सुभाष चंद्र बोस का भी योगदान था, उसमें भगत सिंह का भी योगदान था, और आजादी के अमृत महोत्सव में जितने योद्धाओं को मोदी जी ने नमन किया उन सबका योगदान था। 23 जनवरी को किसी कांग्रेसी चमचे को देखा आपने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण करते हुए? एक दलाल नजर रही है अंग्रेजों का वहां। जी 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 जी, दलाल शब्द अच्छा नहीं था, दोगलापन भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, दोगलापन शब्द भी, मैं वही बोला, दोगलापन शब्द का इस्तेमाल मुर्तजा ने क्यों कर दिया, मुर्तजा उसको वापस, मुझे मालूम है, दोगलापन भी अच्छा नहीं है, दलाल शब्द भी अच्छा नहीं है। जी जी, जो गलत है वो गलत है, समाज साउ समाज के लोगों का स्वागत है, उतावलापन ठीक नहीं, सब्र के साथ रहेंगे, ये शो का एक डिसिप्लिन है। आप ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि ये छड़ी लेकर किस ले आए हैं, आप इनसे जवाब लें। पंडित जी पहले पहले तो मैं आपको ये छड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ प्रतीक जी, ये छड़ी इस बात का प्रतीक है कि 2024 के चुनावों से पहले जो ये हमारा मीडिया है वो उन सब लोगों को वर्चुअली इस प्रकार से हिट करेगा जो झूठी बातें बोलेगा। प्रतीक जी आप देखिए, गणतंत्र तुम वहां जाओगे, व्हाट आई हैव टू से हमसे, प्लीज क्या कर रहे हो शक्ति, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, चलो हेलो चले, प्लीज 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 मैं दूंगा, प्लीज 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 जबल जय सर 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 प्लीज गो टू द प्लेस सर, प्लीज गो टू द प्लेस प्लीज सर, नो आई विल एक्सप्लेन, आई एम स्केर्ड, आई एम स्केर्ड, प्लीज सर, मैं डर रहा हूं, मैं डर रहा हूं, मैं स्केर्ड, नो प्रतीक जी आई एम स्केर्ड, राइट, व्हाई ही हैज ब्रॉट द डंडा, न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।